आपको शराबी फिल्म का विक्की बाबू याद होगा ही। उनके गाड़ी में बकायदा बार बना हुआ था, पर वो तो फिल्मी पर्दे का सीन था। पर असली जिंदगी में एक हस्ती के गाड़ी में भी शराब की ऐसी ही एक दुकान हुआ करती थी। वो हस्ती शराब के वजह से नहीं पहचाना जाता, बल्कि वे अपने जमाने के सबसे बड़े गायक रह चुके थे। उस जमाने में ना ही रफी साहब थे, ना ही किशोर साहब। 40 के जमाने में एक पार्श्व गायक थे जो सैगल साहब की उपस्थिति में और रफी साहब के आने से पहले काफी हद तक मशहूर रहे। वो और कोई नहीं, गुलाम मोहम्मद दुरानी थे। वो अपने खास मिजाज और अपने चकाचौंध भरे जिंदगी के लिए जाने गए। इसके अलावा किस्मत की मार उन्हें इस तरह पड़ी कि जीएम दुरानी अपनी पहचान भूल गए और एक एक पैसे के मोहताज हो गए। इन बातों के अलावा दुरानी साहब अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे और कहा जाता है कि सिंगर बनने के लिए वे पेशावर से भाग कर आए थे। आप ये जानकर चौंक जाओगे, उस जमाने में जहां बाकी सिंगर्स केएल साहब को फॉलो करते थे, उनकी तरह गाने की कोशिश करते थे, वहीं दुरानी साहब ने अपनी खुद की सिंगिंग स्टाइल की खोज की थी। इसी कारण वे रोमांटिक, दर्द भरे, देशभक्ति, कव्वाली, गजल भजन इस तरह के गायन के लिए मशहूर रहे। पर ये दौर ऐसा है जहां सैगल साहब को एक दायरे तक याद किया जाता है और रफी मुकेश किशोर साहब की यादें बरकरार है, पर दुरानी साहब का इतिहास और उनका काम आज काल के पार हो चुका है। उनका प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो पता चलता है कि उनका जन्म 1919 को पेशावर में पठान परिवार में हुआ था। उस वक्त उन्होंने कोई शास्त्रीय गायिका प्रणाली ग्रहण नहीं की थी, पर जब वे अपने दौर के मशहूर गीत गुनगुनाते थे तब लोग कहा करते थे कि इस लड़के को फिल्मों में गाना चाहिए। उनकी आवाज में रंग लाने के लिए उन्होंने रफीक गजनवी साहब को अपना गुरु मान लिया और उनके तरह गाने की कोशिश करने लगे। हालांकि दुरानी साहब कभी भी रफीक जी से मिले नहीं थे। जब परिवार का विरोध बढ़ने लगा तब दुरानी साहब 22 रुपए जेब में लेकर पेशावर से लाहौर आए और एक रेडियो से जुड़ गए। उनके जीवन में रेडियो का अपना एक महत्व था, क्योंकि रेडियो में रहकर ही उन्हें अच्छी पहचान मिली। फिर लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई होते हुए वे फिल्मों में आ गए। 1935 के साल में कई फिल्मकार उनके गायन कौशल से प्रभावित हुए और सबसे पहले सोहराब मोदी साहब ने उन्हें अपनी फिल्म सैदे हवस में गाने का मौका दिया। पर उस जमाने में फिल्मों के बजाय रेडियो में गाना सिंगर्स को पसंद आता था, इसीलिए वे फिर से दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहां हिंदू पौराणिक भजन और गीत गाने लगे। कुछ साल रेडियो में काम करने के बाद दुरानी साहब ने काम छोड़ दिया और एक थिएटर कंपनी से जुड़ गए और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। इस तरह वे फिर से फिल्मों से जुड़ गए और यहाँ से उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ। 40 के दशक में अगर सैगल साहब पहले चरण में थे तो दूसरे चरण में दुरानी साहब थे। अपने करियर का सुनहरा दौर शुरू हो चुका था, जिसमें मशहूर संगीत दिग्दर्शक के साथ उन्होंने काम किया। एसडी बर्मन, खुर्शीद अनवर, नौशाद, शंकर राव व्यास और एआर कुरैशी जैसे नामी संगीतकारों ने दुरानी साहब को खूब प्रसिद्धि दिलाई। मिर्जा गालिब, हम लोग, मगरूर, श्यामा, नमस्ते, सबक जैसी फिल्मों से दुरानी साहब ने सिंगिंग की गजब स्टाइल उन्नत की। वो इस हद तक मशहूर हुए कि नए गायक उन्हें अपना गुरु मानने लगे। फिल्म जगत आने वाले महान गायक संगीतकारों ने उनके सहयोग में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें रफी साहब, गीता दत्त भी थे। रफी साहब ने अपना पहला गाना अजी दिल हो काबू में दुरानी साहब के साथ गाया था। 1943 की फिल्म अंगूरी और विजयलक्ष्मी, 1944 की भाग्यलक्ष्मी, 1946 की धड़कन फिल्म के लिए दुरानी साहब ने संगीत भी दिया था। दुनिया में सब जोड़े, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, कितने मीठे कितने प्यारे, ये दो गाने आज भी संगीत प्रेमियों के पसंदीदा गाने हैं। करियर के अलावा कुछ बात की जाए तो उनका व्यवहार नवाबी जैसा था। वो पीने के शौकीन थे और बेहद मजाकिया थे, पर एक दिन उनके मजाक ने लता दीदी का दिल दुखाया था। नौशाद साहब के एक रिकॉर्डिंग में दुरानी साहब और दीदी थे,
यहाँ दुरानी साहब ने दीदी के पहनावे पर गलत टिप्पणी कर दी। न सिर्फ लता जी नाराज हुई बल्कि नौशाद साहब ने भी उन्हें अपने तेवर बदलने को कहा। नौशाद जी ने कहा, देखो थोड़ा संभल जाओ, लड़की नई है, डर जाएगी। पर लता जी को दुरानी साहब का व्यवहार पसंद नहीं आया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अब उनके साथ काम नहीं करेंगी और इसीलिए लता जी ने आजीवन दुरानी साहब के साथ काम नहीं किया। एक इंटरव्यू में लता जी ने खुद इस बात को कबूला था। संयोग या दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना के बाद से ही जीएम दुरानी साहब का पतन शुरू हुआ और देखते ही देखते वे गुमनामी की दुनिया में खो गए। घंटों तक संगीतकारों को इंतजार करवाने वाले दुरानी साहब 70 और 80 के दशक में रेडियो स्टेशन पर मिलने वाली छोटी मोटी भूमिकाओं के लिए वक्त से पहले पहुंचने लगे और अपने मिजाज में जीने वाले ये शख्स रुपए रुपए के लिए तरसने लगा। अपने कार में बार लेकर चलने वाले दुरानी साहब उन दिनों कई बार वर्ली नाका के बस स्टैंड पर बीड़ी पीते हुए बस का इंतजार करते हुए भी देखे जाते थे। वक्त की मार सबसे तगड़ी होती है। कामयाबी, शोहरत और पैसा संभालना बहुत मुश्किल काम है। जितने विनम्र बने रहेंगे उतना अच्छा होता है। और अंत 8 सितंबर 1988 को मुंबई में जीएम दुरानी साहब का निधन हुआ। दो बिछड़े हुए दिल वापस में गए मिल, अरमानों की नगरी में हुआ आज सवेरा। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।